Hi everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel. Guys, आज मैं आपको बताने वाला हूं, बताइए क्या बताने वाला हूं, क्या जानते हैं आप, क्या बता सकते हैं आप कुछ नहीं जानते, आप सिर्फ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, अच्छी बात है, ये सब है, तभी तो मैं हूं, तभी तो मैं आपको बता रहा हूं। तो बात करते हैं, तो मैं बता रहा था आपको कि जितनी भी दशाएं चलती हैं आपके बर्थ चार्ट में, जितनी भी दशाएं चलती हैं आपके बर्थ के बाद से लेके लाइफ के एंड तक, जितनी भी दशाएं चलती हैं, वो जितनी भी दशाएं हैं उनका असर आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ता है। यानी हर एक दशा का एक अलग मतलब है, हर एक दशा का एक अलग मीनिंग है। तो जितनी भी दशाएं चलती हैं उनका आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर फर्क पड़ता है। यानी कहीं ना कहीं वो जो दशाएं हैं वो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर करवाती हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। इस चीज को अगर आपको गहराई से समझना है, गहराई से जानना है, तो इसके लिए हमें D10 चार्ट को देखना पड़ेगा। जैसे आप D10 चार्ट देखते हैं, मोस्टली लोग D10 चार्ट देखते हैं कि उसका जो 10th हाउस है उसका लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड है और कौन सी दशा चल रही है, और 10th हाउस की जब उसकी दशा चलेगी तो क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, या 10th हाउस में कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, या उसका जो फर्स्ट हाउस है वो क्या बोल रहा है। लेकिन आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो उससे बहुत ही डिफरेंट है। आज हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि किसी भी प्लैनेट की अगर दशा चलती है, किसी भी प्लैनेट की अगर दशा चलती है, तो हमें ये देखना है कि D10 चार्ट में, दशमसा चार्ट में वो जो प्लेनेट है जिसकी दशा चल रही है वो वहां पर कौन से हाउस का लॉर्ड है और कहां पर प्लेस्ड है। चाहे वो शनि हो, चाहे वो मंगल हो, गुरु हो, शुक्र हो, बुध हो, राहु हो, केतु हो, ये जो 9 प्लैनेट्स हैं जब इनकी दशा चलती है तो आपको ये देखना है ये D10 चार्ट में कौन से हाउस को कंट्रोल करते हैं और कौन से हाउस में प्लेस्ड है। अब बात करते हैं आपके लगन चार्ट की। लगन चार्ट में आपके 10th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है, तो लगन चार्ट से आप ये देख रहे हैं कि 10th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में, तो जब 10th हाउस के लॉर्ड की दशा चलेगी तो हो सकता है मेरा विदेश में कोई काम बन जाए, या मैं विदेश में जाके सेटल हो जाऊं, या जो मेरा कैरियर है वो विदेश में जाके बने, या आध्यात्म के फील्ड में हो सकता है मेरा इंटरेस्ट बढ़ जाए। तो ये सारी चीजें आप सोचोगे अपने लगन चार्ट को देख के। लेकिन जब 10th हाउस के लॉर्ड को जब हम आपके D10 चार्ट में देखते हैं तो चीजें बदल जाती है। और D10 जो चार्ट है वो बहुत ही माइन्यूटली आपको चीजों को समझाता है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर देखते हैं, D10 का जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू चीजों को देखेंगे तो चीजें क्लियर नहीं होंगी। लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट के थ्रू देखते हैं तो चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सी दशा चल रही है और उसका जो लॉर्ड है वो D10 चार्ट में कौन से हाउस को कंट्रोल करता है और कहां पर प्लेस्ड है, राइट? और इसके साथ साथ आपको एक चीज और भी देखनी है, इसके साथ साथ आपको यह भी देखना है कि D10 चार्ट में जो 10th हाउस है, D10 चार्ट में जो 10th हाउस है, वो जो 10th हाउस है उसका जो लॉर्ड है वो लगन चार्ट में कहां पर प्लेस्ड है। D10 चार्ट का जो 10th हाउस है उसका लॉर्ड लगन चार्ट में कहां प्लेस्ड है, D10 चार्ट में जो 10th हाउस है उसका जो लॉर्ड है जब उसकी दशा चलती है तो लगन चार्ट में उसकी क्या प्लेसमेंट है, यह भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि उससे चीजें बहुत ज्यादा मैच कर जाती हैं कि आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो कैसे इन चीजों के ऊपर आधारित है। तो इस बात पर चाय तो बनती है,
और ये चाय बहुत ही स्पेशल है। इस चाय में देखो क्या है, एक तो सबसे पहले वाटर, बिना वाटर के तो चाय बन ही नहीं सकती। दूसरा इसमें अजवाइन है, अजवाइन थोड़ा सा डाला चाय को बॉल्ड किया, अजवाइन थोड़ा सा डाला चाय को, इसमें क्या है अजवाइन है और वाटर है, तो अजवाइन को इसमें डाला, थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, थोड़ा सा आपका नींबू का थोड़ा सा इसमें फ्लेवर है। तो ये जो चाय है ये बहुत ही स्पेशल चाय है, इसके अंदर अजवाइन है, इसके अंदर आपका थोड़ा सा तो ये जो चाय है बहुत ही स्पेशल है, इसके अंदर अजवाइन है, चाय पत्ती है, नींबू का रस है और आपका वाटर है। तो ये सारी चीजों को एक साथ मिलाया है और थोड़ा बहुत सॉल्ट भी है। पीने में टेस्टी है, बढ़िया है, पेट के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज मैं 2-3 दिन परेशान रहा हूँ तो ये चाय पी के मैंने गुजारा किया है। सो अगर आपको भी कभी ऐसी परेशानी होती है तो ज़रूर इसका मुलायजा फरमाएं, क्या बोलते हैं उसको, मुझे पता नहीं है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था D10 चार्ट के बारे में कि D10 चार्ट में अगर हमें प्लिंट्री पोजिशन को देखना है, उसको समझना है तो कैसे समझ सकते हैं। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो ये है आपका D10 चार्ट, राइट। अब हमें D10 चार्ट में क्या देखना है, D10 चार्ट में हमें ये देखना है कि लगन चार्ट में जिस प्लेनेट की दशा चल रही है उसको हम यहां पर कैसे जज कर सकते हैं कि वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ में कैसे काम कर रहा है। लाइक जैसे लगन चार्ट में दशा चल रही है शुक्र की, ओके, और शुक्र जो है वो आपके फर्स्ट हाउस को कंट्रोल करता है। मान लीजिए कि यहां टॉरस साइन है, अगर यहां टॉरस साइन होगा तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, राइट। अगर ये टॉरस एसेंडेंट बनता है आपका, क्योंकि 12 टाइप के एसेंडेंट हैं, तो ये टॉरस एसेंडेंट को हम एक एग्जांपल बना लेते हैं। दशा चल रही है आपकी शुक्र की, तो यहां पर आपको देखना है कि शुक्र कौन कौन से घर को कंट्रोल कर रहा है। अब यहां पर शुक्र आपके फर्स्ट हाउस को और आपके सिक्स हाउस को कंट्रोल कर रहा है। फर्स्ट हाउस यानी आपकी पर्सनैलिटी, आपका नाम, आपका फेम। सिक्स हाउस यानी डेली का काम, सिक्स हाउस यानी सर्विस देना। और वीनस मान लीजिए कि लियो साइन में प्लेस्ड है, वीनस आपका यहां पर प्लेस्ड है लियो साइन में। तो यहां पर जब भी वीनस की दशा चलेगी आपको नाम, फेम, पहचान मिलेगी, क्रिएटिव चीजों में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे बिकॉज लियो साइन में है। और वीनस जो है सिक्स हाउस का भी लॉर्ड है, यानी आर्ट से संबंधित सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, यानी फोर्थ हाउस यानी सोसाइटी। तो उसके थ्रू आपको नाम, फेम, पहचान, पोजीशन, हर चीज मिलेगी। अब हम बात करते हैं जुपिटर की, कि जुपिटर की दशा चल रही है और जुपिटर जो है वो आपके एट्थ हाउस और इलेवेंथ हाउस का लॉर्ड है। एट्थ हाउस और इलेवेंथ हाउस का लॉर्ड है। एट्थ हाउस यानी सीक्रेट नॉलेज, एट्थ हाउस यानी तंत्र, मंत्र, एस्ट्रोलॉजी, मिस्टिकल साइंस, रिसर्च, इन सब चीजों का संबंध एट्थ हाउस से है। इलेवेंथ हाउस का संबंध है आपके नेटवर्क सर्कल से, आपके बिजनेस सर्कल से, आपकी कम्युनिटी से। तो जब जुपिटर की दशा चलेगी और जुपिटर की प्लेसमेंट भी मान लीजिए कि आप फोर्थ हाउस में ही है, जुपिटर भी आपका फोर्थ हाउस में है, तो जुपिटर की जब दशा चलेगी तो एक तो एट्थ हाउस से संबंधित चीजों की नॉलेज आपको मिलेगी, दूसरा जो आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपका जो बिजनेस सर्कल है, जो आपकी कम्युनिटी है जहां से आप अर्निंग करते हो, उन सब चीजों का आपको बेनिफिट मिलेगा। और कहीं ना कहीं आप फिर दोबारा से आर्टिस्टिक चीजों में इन्वॉल्व हो सकते हैं बिकॉज जुपिटर यहां पर लियो साइन में है और वीनस के साथ है। तो इस तरीके से आपको चीजों को समझना है।
और यहां पर आप अर्निंग भी बहुत करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि दशा चल रही है सन की, सूर्य की दशा चल रही है, और सूर्य जो है वो आपका वो यहां पर बैठा है टेंथ हाउस में, सन आपका टेंथ हाउस में बैठा है, और आपके लग्न चार्ट में सूर्य की दशा चल रही है। लग्न चार्ट में हमें सूर्य की पोजिशन को देखना है, लेकिन यहां भी हमें देखना है। अब यहां पर सूर्य की अगर दशा चल रही है और सूर्य किस हाउस का लॉर्ड है, ये देखें आप, सूर्य जो है आपके फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड टेंथ हाउस में, फोर्थ हाउस का लॉर्ड टेंथ हाउस में, इसका मतलब क्या हुआ, फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर टेंथ हाउस में है तो पब्लिक के थ्रू गेन, जनरल पब्लिक के थ्रू गेन, जहां पर आप रहते हैं, जिस जगह आप रहते हैं वहां के लोगों के थ्रू गेन और स्टेटस। तो जब सूर्य की दशा चलेगी तो आप मासिव गेन करेंगे अपनी जो लोकल जो कम्युनिटी है उसके थ्रू। हो सकता है उस टाइम आप कोई पॉलिटिकल लीडर बन जाएं, हो सकता है कि उस टाइम आप फोर्थ हाउस से संबंधित चीजों का काम करें, लाइक जैसे प्रॉपर्टी हो गया, व्हीकल्स हो गए, गाड़ियां हो गई, इन सब चीजों का बिजनेस कर सकते हैं, या लोकल गवर्नमेंट में कोई आपको ऐसी पोजीशन मिल सकती है जिसके कारण आपको पब्लिक फेम मिले, पब्लिक ड्यूटी मिले, पब्लिक विजिबिलिटी मिले। तो सूर्य की दशा आपकी यहां पर ऐसे काम करेगी। अब इसके बाद अगर दशा आती है, मान लीजिए आपकी दशा आई मंगल की, मंगल यहां पर है ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड है और सेवेंथ हाउस का लॉर्ड है, मंगल ट्वेल्थ हाउस का और सेवेंथ हाउस का लॉर्ड है, और मंगल कहां पर बैठा है, मंगल भी यहां पर बैठा है टेंथ हाउस में। तो जब मंगल की दशा चलेगी तो क्या होगा? अच्छा, हम जब बात कर रहे हैं मंगल की, सूर्य की, वीनस की, जुपिटर की, तो इससे पहले आपको ये ध्यान देना है कि ये आपका डी टेन चार्ट है, ये आपका लग्न चार्ट नहीं है, डी टेन चार्ट। तो डी टेन चार्ट में आपको सिर्फ अपने प्रोफेशन के ऊपर ध्यान देना है कि जो जो दशा चल रही है उस दशा का आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर क्या असर पड़ रहा है, राइट? तो इस बात पे एक और चाय बनती है, वरना मेरी चाय ठंडी हो जाएगी, और मैंने आप लोगों के कहने से चाय बंद कर दी थी और मेरी तबीयत खराब हो गई थी, राइट? मेरी तबीयत ठीक तो आपकी तबीयत ठीक, आपकी तबीयत ठीक तो मेरी तबीयत ठीक। क्या जुमला था? तो यहां पर मंगल की अगर दशा चल रही है तो मंगल ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड है, टेंथ हाउस में है, तो ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड अगर टेंथ हाउस में अगर होगा तो विदेशी व्यापार आप कर सकते हैं, या ऐसा कुछ काम कर सकते हैं जिसका संबंध बाहर की कंपनियों से हो, जिसका संबंध मल्टीनेशनल कंपनियों से हो। ठीक है, मंगल की दिशा में ये चीज होगी और उसके थ्रू आपको फेम मिलेगा और गेन भी मिलेगा। मंगल यहां सेवेंथ हाउस का भी लॉर्ड है तो पार्टनरशिप भी कर सकते हो, ट्रेड भी कर सकते हो, उसके थ्रू आपको पब्लिक विजिबिलिटी मिल सकती है। अब शनि की अगर दशा चल रही है, शनि की अगर दशा चल रही है तो शनि यहां पर नाइन्थ हाउस और टेंथ हाउस का लॉर्ड है, नाइन्थ हाउस और टेंथ हाउस का लॉर्ड। शनि मान लीजिए कि आपका लगन में प्लेस है, नहीं लगन नहीं, अब चलिए अब इसको शनि को कहीं और डालते हैं, शनि को हम डालते हैं एट्थ हाउस में, शनि को हम एट्थ हाउस में डाल देते हैं, सैटर्न आपका एट्थ हाउस में है, तो आप देखेंगे कि टेंथ हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में राजभंग योगा, लेकिन यहां पर राजभंग योगा अप्लाई तो हो रहा है बट ये आपका डी टेन चार्ट है, लगन चार्ट नहीं है। तो यहां पर आपको अपने कैरियर के बारे में देखना है, ना कि पब्लिक विजिबिलिटी के बारे में देखना है, बिकॉज वो लगन चार्ट डिफरेंट चार्ट होता है और ये आपका जो चार्ट है ये सिर्फ आपके प्रोफेशनल कैरियर के बारे में है। तो यहां पर टेंथ हाउस का लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में है और आप कोई एस्ट्रोलॉजर हैं, आप कोई सर्जन हैं, आप ETS या रो में काम करते हैं, या गवर्नमेंट के किसी सीक्रेट डिपार्टमेंट में अगर आप काम करते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है, राइट? टेंथ हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में और वो भी सैटर्न और वो भी सेजी साइन में, सेजी साइन है वो नाइन्थ हाउस की एनर्जी है, नाइन्थ हाउस यानी रिलीजन, नाइन्थ हाउस यानी धर्म, नाइन्थ हाउस यानी गुरुज।
तो नाइन्थ हाउस की एनर्जी जो है वो एट्थ हाउस में है, और टेंथ हाउस यानी आपका कैरियर, और एट्थ हाउस में सैटर्न, वो भी सेजी साइन में, तो आप कोई प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। तो डबल थम्स अप इन चीजों के लिए कि अगर टेंथ हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में है तो टेंशन की बात नहीं है, अगर आप एट्थ हाउस से संबंधित चीजों को करते हैं। इसी तरीके से टेंथ हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में, टेंथ हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में है और आप कोई लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, पुलिसमैन हैं, मिलिट्री पर्सन है, तो प्लेसमेंट आपके लिए अच्छी है। अगर टेंथ हाउस का लॉर्ड अगर आपका ट्वेल्थ हाउस में है और आप किसी रिट्रीट सेंटर में जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उन सब चीजों के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। या आप कहीं पर बाहर जाना चाहते हैं, विदेश में जाके सेटल होना चाहते हैं, तो उसके लिए अच्छी प्लेसमेंट है। तो इस तरीके से चीजों को आपको देखना है, तो आप प्रॉपर तरीके से ये समझ पाएंगे कि जो दशा चल रही है वो आपके प्रोफेशनल लाइफ पर क्या इंपैक्ट डाल रही है। और अगर आपकी कुंडली में भी अगर कोई ऐसा योग बन रहा है और उसको अगर आप जानना चाहते हैं, अपनी दशा के बारे में जानना चाहते हैं कि उस दशा का आपके कैरियर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।